पूर्णिया में सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल की शुरुआत होने जा रही है, जहां वो तमाम सुविधा दी जाएगी जो बड़े इंटरनेशनल स्कूल में दी जाती है, वो भी नॉमिनल फी में, जिसकी जानकारी इस स्कूल के कमेटी के चेयरमैन प्रिंसिपल के द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर शफीक आलम के नर्सिंग होम में दी गई। पूर्णिया जैसे शहर में बहुत कम लागत में अफोर्डेबल प्राइस में मीडियम क्लास के गार्जियन और लोअर मीडियम के अपर तो हैं ही, सब लोग इस खर्च को बियर करते हुए अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा प्राप्त करा सके, इसी उद्देश्य से ये प्रेस मीट बुलाया गया है। और इसका नाम जो रखा गया सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल, ये सहारा बेसिकली मेरे मदर का नाम है और उनका सहारा मतलब ही होता है कि सहारा किसी को देना। तो मेरा पर्पस भी यही है कि ताकि जो भी गरीब बच्चे हैं और मीडियम क्लास के बच्चे हैं, सब लोगों को ले करके हम आगे बढ़ सकें। बेसिकली जितने भी लोगों को आप देखेंगे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मीडियम क्लास के लड़कों से, ये गार्जियन से आते हैं, मीडियम क्लास के लड़के होते हैं, उन लोगों को सब तरह की सुविधा मिलती नहीं है। और हम भी चूँकि इस चीज़ को झेल चुके हैं कि गाँव में पढ़े, गाँव में पढ़ करके आगे बढ़े और किस्मत ने साथ दिया, मेहनत किए और आज इस मुकाम पर हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी मीडियम क्लास के बच्चे हैं, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे जगह में नहीं कुछ कर पाते हैं, वो यहाँ अफोर्ड कर सकें, कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छा एजुकेशन पा सकें, ताकि अपने इच्छा अनुसार जिस फील्ड में जाना चाहें, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जिस फील्ड में, या क्या कहते हैं वो डिफेंस एकेडमी के ये हों, जिस फील्ड में जाना चाहें वो जा सकें। बड़ी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रांडेड स्कूल्स ही जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि केरला जैसे एक स्टेट में ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है, हर स्कूल अपने में एक ब्रांड है। तो हम इसको जो है अब इस बिहार को एक केरला बनाना चाहते हैं, जहाँ पे हर बच्चा क्वालिटी शिक्षा प्रदान करे, हर बच्चा एक्स्ट्रॉर्डनरली अच्छा रहे अपने फील्ड। हम लोग का पूरा केजी टू ग्रेड 12 तक है ये। हम आपको पहले साल स्विमिंग पूल नहीं देंगे, पर हम आपको पक्का देंगे स्विमिंग, वो भी इंटरनेशनल स्टाइल का स्विमिंग पूल हो तो आपको सहदेवन सर बताएंगे, क्योंकि वो गोदरेज कंपनी में जनरल मैनेजर रह चुके हैं, हम लोग के बच्चे वहाँ पढ़ते तो आपको बताएंगे। तो हमने ये सारा कुछ देखा हुआ है, हम जो भी देंगे हम एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का देंगे, बेशक समय लगाए हम, हो सकता है हम आपको 2 साल में स्विमिंग पूल दें। सबसे बड़ी बात है बच्चों को, हर बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा का राइट होना चाहिए, एवरीवन शुड हैव द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। ये नहीं कि भाई सिर्फ जो है जिसके पास पूंजी है वही हाई जो क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके, हर कोई इसकी चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सोच उनकी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका ड्रीम ये है और मेरा भी ड्रीम यही है कि हर साधारण बच्चा इस हाई क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। मैं यहाँ का चीफ एडमिन हूँ, मैं काम करता था गोदरेज कंपनी में, मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पर है। तो गोदरेज में क्या सिस्टम था, सबको सबको एक ही लेवल पे लेके चलने का। वहाँ पर हम लोग का एक स्कूल था कॉर्पोरेट लेवल में, कॉर्पोरेट लेवल में मतलब इंटरनेशनल लेवल का जितना जो फैसिलिटी है सब मिलता था वहाँ पे, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ, फुटबॉल, क्रिकेट, जितना जो खेलकूद का है। और एजुकेशन वहाँ का एकदम स्ट्रांग है, CBSE करिकुलम था वहाँ पे, दैट वॉज द हाईएस्ट एजुकेशन लेवल इन बॉम्बे। और बॉम्बे में क्या होता है, हर स्कूल में फीस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को वहाँ भेजना तो मुमकिन नहीं है सबके लिए। तो गोदरेज में हम लोग क्या काम किया है, स्टाफ का बच्चों को एकदम मिनिमम लेवल पे, एकदम नॉर्मल लेवल में जो होता है उसका 25% फीस में हम लोग करता था वहाँ पे। और जो फोर्थ ग्रेड का प्यून ड्राइवर वगैरह जो है वो लोग का बच्चों को एकदम फ्री एजुकेशन देता था वहाँ। तो क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग का जो कॉस्ट है, कॉस्ट और प्रॉफिट होता है, हम लोग प्रॉफिट एकदम कम करके हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। और भी स्कूल हैं बड़े बड़े जो बड़े बड़े करके आपको बता रहे हैं 2 से 3 लाख रुपया सालाना लेते हैं, आपका भी कॉन्सेप्ट उस तरह का, क्या यहाँ के पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे? हमारे पास पैसा नहीं, उतना पैसा नहीं है। बड़ा बड़ा स्कूल में क्या है, 4 लाख करीब लेता है हॉस्टल के लिए, हम लोग यहाँ हॉस्टल में हम लोग 2 लाख से नीचे लेते हैं, हम लोग का कॉस्टिंग बहुत कम है। हम लोग का और किसी को ये ब्रांड लेने से क्या, वो लोग को हम लोग को कमीशन देना पड़ता है, हम लोग का ऐसा कुछ नहीं, ये खुद का ब्रांड है।